असलम डर गाइज टूडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल दैट इज rocks तो so, अभी rocks के बारे में हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे बेसिकली अगर हम अर्थ की लेयर्स के बारे में बात करें तो देर आर थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट मेंटल एंड पोअर जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो अर्थ की क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ सर्टेन मिनरल मटेरियल एंड दैट मिनरल मटेरियल इज कॉल्ड रॉक्स सो यू कैन सिंपली से दैट के अर्थ क्रस्ट जो है दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स तो रॉक्स क्या होती हैं रॉक्स जो है वो मिनरल मटेरियल जो होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जो वेरियस टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं इसमें uh, जो है ना जो रॉक्स बनाएंगे तो so, ये रखिए कि की अगर करें तो इसकी तीन टाइप्स होंगी. सबसे पहले हम इसकी पहली टाइप के ऊपर बात करते हैं इग्नियस रॉक्स देखें इग्नियस रॉक्स जो है इनके बारे में कहा जाता है कि इग्नियस रॉक्स आर मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा मैग्मा इज सुपर हॉट मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ एक सुपर हॉट मटेरियल अर्थ के नीचे पाया जाता है जिसको मैग्मा कहते हैं जो कि इराप्ट होता है और जब वो इराप्ट होता है तो उसको हम लावा कहते हैं तो आफ्टर uh, इरप्शन जब वो मैगमा uh, होता है uh, वो सॉलिडिफाई हो जाता है सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो रॉक्स बनती हैं वो इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं सो यू कैन सिंपली से कि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो मोल्टन मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनती है ऑल्डो ये जो मोल्टन मैग्मा है अगर ये आ, इसकी इरप्शन जो है वो सर्फिस पे हुई है अर्थ की सर्फिस पे हुई है और सॉलिडिफिकेशन हुई है तो वो जो इग्निस रॉक्स बनेंगी उनको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक्स और अगर ये बीनीथ द अर्थ है बीनीथ द सर्फिस है तो और मोल्टन मैग्मा जो है उसकी सॉलिडिफिकेशन बीनीथ द सर्फिस हो गई है तो तभी वो इग्निस रॉक्स ही बनेगी लेकिन उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे इनकी डायग्राम जो है वो नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड में आएगी जिसमें हम इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स को अंडरस्टैंड uh, कर सकेंगे हमारी अर्थ क्रस्ट में जो 95 परसेंट तक रॉक्स पाई जाती हैं वो हमारी इग्नियस रॉक्स ही होती हैं यानी यू कैन से दैट के अर्थ क्रस्ट का जो मेजर प्रोपोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स अगर आप देखें तो ये रॉक्स जो होती हैं प्राइमरी रॉक्स भी कहलाती हैं क्योंकि जितनी भी रॉक्स की दूसरी टाइप्स हैं जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं या रॉक्स हैं, आर मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स वो इग्निक्स इग्नियस रॉक्स के जरिए से ही बनती हैं लिहाजा इनको हम मदर रॉक्स भी कहते हैं और प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं इग्नियस रॉक्स की फर्दर तीन टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यू कैन केमिकल कंपोजिशन और देयर uh, लोकेलेटी सबसे पहले इनकी टा, टाइप है ग्रे नाइट ये रॉक्स बेसिकली कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती हैं मेजर कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं इसके बाद है बेसाल्ट रॉक्स बेसाल्ट रॉक्स जो हैं वो ओशन बेड्स जो है उन पर पाई जाती हैं और ये भी भीस रॉक्स की टाइप्स हैं टाइप्स में आती हैं और इसके बाद वोल्केनिक रॉक्स देखें वोल्केनिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो लावा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से बने यानी जब वोल्कैनिक इरप्शन होती है वोकैनोज इरप्ट करते हैं तो उस वक्त जो लावा आ, बाहर आ जाता है अर्थ की सरफेस से उसकी जब सॉलिडिफिकेशन होती है तो आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन जो रॉक्स बनती हैं वो इग्नियस रॉक्स ही होती हैं लेकिन उनको हम वोल्कैनिक रॉक्स कहते हैं बिकॉज बोलकैनिक रॉक्स आर द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स तो आगे हम चलते हैं डायग्राम के ऊपर हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी हेयर कि ये मैग्मा है और ये जो मैग्मा है इसकी इरप्शन हो रही है अर्थ की सरफेस है ये इसकी इरप्शन हो रही है तो यू कैन सी हेयर यहाँ पे जब ये इरप्शन हुई है तो आफ्टर इरप्शन ये जो मैग्मा है ये एज ए लावा इरप्ट आउट हुआ है और उसके बाद ये कूल डाउन होके सरफेस के ऊपर स्टिक कर गया है सॉलिडिफाई हो गया है तो ये डेफिनेटली इग्नियस रॉक्स हैं लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अर्थ की अगर सरफेस के ऊपर आती हैं बनती हैं तो इनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स और ये जो मोल्टन मैग्मा है ये अर्थ की सरफेस के नीचे ही बीनीथ द सर्फिस ऑफ अर्थ ये कूल cool डाउन हो गया है कूल cool डाउन होने की वजह से ये भी इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया है लेकिन इन इग्नियस रॉक्स को हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स सो आई होप सो के आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इग्नियस रॉक्स की जो ये दो टाइप्स हैं एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं देन नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी रॉक्स की टाइप्स हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं देखिए सेडिमेंट्री का वर्ड सेडिमेंटेशन से बना है और सेडिमेंट का मतलब होता है एक तय दर तय स्ट्रक्चर बनाना तो ये रॉक्स जो होती हैं ये सेडिमेंट्स यानी तय दर तय एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये ओशन बेड्स के ऊपर होती हैं यूजली ओशन बेड्स के ऊपर ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं और अर्थ सरफेस में अर्थ की क्रस्ट में नाइन्टी फाइव परसेंट इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं और फाइव परसेंट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं लेकिन जो टोटल लैंड सरफेस को अगर आप देखें तो हमारी जो लैंड सरफेस का टोटल सेवेंटी फाइव परसेंट एरिया है दैट इज कवर्ड बाई सेडिमेंट्री रॉक्स अच्छा ये जो रॉक्स हैं डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ वैदरिंग देखिए जब इग्नियस रॉक्स की वैदरिंग होती है वैदरिंग यू कैन से उसकी तोड़ फोड़ का प्रोसेस होता है तो अः ये रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये बनती हैं ये भी चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके नीचे बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो है उनका उनके फॉसिल्स भी पाए जाते हैं उनका डेड मैटर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे पाया जाता है तो ये जो मेरीन ऑर्गेनिजम जो है उनकी जो डेड बॉडीज पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स की नीचे उन्हीं की डिकम्पोजिशन की वजह से और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ऑयल और गैस के रिजर्वायर्स जो हैं वो ज़मीन के नीचे बन रहे होते हैं अच्छा सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो यूजुअली हॉरिजेंटल लेयर्स बनाती हैं देखिए हॉरिजेंटल का मतलब है अलॉन्ग एक्सिस तो ये बेसिकली सेडिमेंट्स बनाती हैं हॉरीजेंटल लेयर लेयर्स की फॉर्म में इकट्ठी होती चली जाती हैं एक से एक तय से ऊपर दूसरी और दूसरी से तीसरी तय ऊपर बनती चली जाती है तो उनकी ये जो हॉरिजेंटल लेयर्स होती हैं हर लेयर को हम कहते हैं स्ट्राटा और इनको बन बनने में मिलियन ऑफ इयर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं क्योंकि ये स्ट्राटा बनेंगे फिर ये हार्ड hard, हार्डन होंगे रॉक्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसलिए इन रॉक्स को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं ये मुख्तलिफ लेयर्स या स्ट्राटा से मिलकर बनी होती हैं अच्छा अब हम इनकी एग्जाम्पल्स भी चलते हैं नेक्स्ट में हम इनकी डायग्राम भी देखेंगे जिससे ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा अच्छा इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में सेडिमेंट्री रॉक्स की जैसे कि जिप्सम है चाक है और लाइमस्टोन है ये जो रॉक्स बनती हैं ये केमिकल सेडिमेंटेशन यानी केमिकल फैक्टर्स की वजह से जो सेडिमेंटेशन होती है उस वजह से बनती हैं इसके अलावा जो पीट है लिग्नाइट है विटामिनस कोल है और एंथरासाइट है ये चारों जो है कोल की वेरियस फॉर्म्स हैं और ये बुनियादी तौर पे जो मेरीन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोज होता है उसकी डेपोजिशन की वजह से ये रॉक्स बनती हैं इसके अलावा इनकी तीसरी टाइप्स में आती हैं या एग्जांपल्स में आ जाती है कॉन्ग्लींग्लोमीरेट्स कॉन्ग्लोमीरेट्स बेसिकली कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फ्रेगमेंट्स तो इसमें ग्रेवल हो गया पेबल्स हो गया स्टोन हो गए इसमें ये सारी ये चीजें ये आ जाएंगी इसकी एग्जाम्पल्स में और ये वाटर के अंदर जो डेपोजिशन हो रही होती है मैटर की उसकी वजह से ये रॉक्स बन रही होती हैं तो ये बुनियादी तौर पे वैदरिंग के प्रोसेस से ही बन रही है अलबत् इनकी तीन एग्जांपल्स हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए हम नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट में हम देखें ये डायग्राम के जरिए सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन को समझ सकते हैं ये देखिए ये मटेरियल जो है इसकी इरोजन हो रही है पार्टिकल्स की और पार्टिकल्स की इरोजन के जरिए से ये मुख्तलिफ स्टेटा या लेयर्स बन रही हैं सबसे जो नीचे वाली लेयर है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं यानी टाइटली पैक्ड सेडिमेंट्स जो हैं वो आ, पाई जाती हैं और ये बेसिकली सीमेंटेशन के प्रोसेस के जरिए से एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती हैं उससे ऊपर थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड सेडिमेंट्स होते हैं जो कंपेक्शन के प्रोसेस के जरिए से वहाँ पे डेपोजिट हो रहे होते हैं और सबसे ऊपर जो है वो लूजली सेडिमेंट्स होते हैं जो डेपोजिशन के प्रोसेस के जरिए वहां पे एक्यूमलेट होते हैं तो ये, चीज़ ये में रखनी है कि जो इन ले इन रॉक्स की सबसे नीचे वाली लेयर है वो सीमेंट cement, सीमेंटेशन के प्रोसेस के जरिए बनती है जो टाइटली पैक्ड होती है उससे ऊपर क्लोजली पैक्स सेडिमेंट्स बनते हैं कंपेक्शन के प्रोसेस के जरिए से और सबसे ऊपर लूजली पैक्स सेडिमेंट्स होते हैं डेपोजिशन के प्रोसेस के जरिए से तो दिस इज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स हम आगे चलते हैं अब तीसरी टाइप्स की जो रॉक्स हैं जिनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स देखिए मेटामॉर्फिक की टर्म अगर हम देखें तो मेटामॉर्फिज्म ये एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की जो शेप्स हैं वो चेंज होती रहती हैं तो यहाँ से ये वर्ड जो है रॉक्स के साथ भी अटैच किया जा सकता है क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली यहाँ तो इग्नियस रॉक्स होती हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं लेकिन इनको हम अलहदा से कैटेगरीज इसलिए करते हैं क्योंकि जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अपनी शेप को चेंज कर रही होती हैं तो उस वक़्त जो रॉक्स इन बिटवीन बनेंगी जो अपनी मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की शेप के चेंज होने की वजह से बनेंगी उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे अच्छा अब डेफिनेटली जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनकी uh, जो शेप होती है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के इन बिटवीन होगी क्योंकि ये जब मेटामॉर्फिज्म होगा इनके अंदर तो ये फिर रॉक्स जो हैं दोनों ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी सो यू कैन से दैट कि ये रॉक्स जो होती हैं ये इनकी शेप में चेंज क्यों आती है इनकी शेप में चेंज आती है प्रेशर इंटेंस टेम्परेचर वाटर या केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से तो अगर इन्वामेंट में प्रेशर वेरिएशन आए इंटेंस टेम्परेचर वेरिएशन आए वाटर का एक्शन हो या कोई केमिकल रिएक्शंस हों तो उन रिएक्शंस की वजह से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की शेप में चेंज आती है और उस शेप में चेंज आने की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में एक एग्जाम्पल है स्लेट अब देखिए स्लेट जो है ना ये बेसिकली सैडिमेंट्री रॉक्स की जब कंप्रेशन होती है तो उसकी कंप्रेशन की वजह से बनती है मिसाल के तौर तो पे शेल और मड स्टोन है ये शेल और मड स्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स हैं इनकी जब कम कंप्रेशन होगी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सराउंडिंग फैक्टर्स की वजह से तो वो स्लेट बनेगी तो स्लेट जो है बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जाम्पल है इसी तरह साइड, क्वारसाइड साइड जो है वो सैंडस्टोन uh, स्टोन uh, एक ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है उसकी डिकम्पोजिशन uh, या मेटामॉर्फिज्म की वजह से बनती है तो सेडिमेंट्री रॉक जो सेंड है उसकी मेटामोफिज की वजह से क्वार्टजाइट बनती है तो क्वार्टजाइट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्पलॉर्फिक रॉक इसी तरह जो मार्बल uh, होता है मार्बल सेटिमेंट्री रॉक्स ठीक है जी ये बेसिकली uh, अगर इस मार्बल सेटिमेंट्री रॉक को बहुत इंटेंस टेम्परेचर मिले इन्वायरमेंट की तरफ से तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना सो so मार्बल जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स तो ये चीज आप याद रखिएगा कि मेटामोर्फिक रॉक्स जो है बेसिकली आ, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स की जरिए से ही बनती हैं अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं रॉक साइकिल और ये लास्ट स्लाइड होगी हमारे इस टॉपिक की देखिए रॉक साइकिल के अंदर हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि रॉक्स किस तरह एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक से और इग्नियस रॉक्स बनने के लिए हमें मैग्मा जो है वो रिक्वायर्ड है और मैंने आपको बताया था कि जब मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन होती है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं और अगर यही इग्नियस रॉक्स दोबारा मेल्ट हो जाएँ तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे इस प्रोसेस को इग्नियस रॉक से हम आगे चलते हैं क्योंकि इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं और फर्दर जितनी भी रॉक्स हैं वो यहीं से बनती हैं तो इग्नियस रॉक्स की अगर इरोजन होगी तो पहले सेडिमेंट्स बनेंगे और सेडिमेंट्स की लिथिफिकेशन होगी यानी वो सॉलिडिफाई होंगे हार्डन होंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इसी तरह अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की इरोजन हो जाए तो वो दोबारा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक अब यहाँ से हम चलते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या इग्नियस रॉक्स हैं जब इन दोनों की मेटामॉर्फिज्म होती है शेप में चेंज आती है एक्सटर्नल एक कंडीशंस की वजह तो से तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर मेल्ट करें तो वो दोबारा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं और अगर इनकी इरोजन हो तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो डिफरेंट रॉक्स हैं वो एक डिफरेंट तरह के जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिस हैं उनके जरिए से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं तो यू कैन सी हियर कि दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल डायग्राम तो ये रॉक साइकिल डायग्राम है जो कि रॉक्स की फॉर्मेशन के हवाले से एक्सप्लेन कर रही है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़